हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वैलेंटाइन मेकअप लुक जो कि बहुत ही सिंपल सोबर और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने किया है तो जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे किया है और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो सबसे पहले मैंने फेस को अपने मॉइस्चराइज़ किया है लैकमेगा पीच मिल्क मॉइस्चराइजर लगाया है बहुत अच्छे से उसके बाद मैंने ये कलर बार का प्राइमर ऑयल लगाया है विच इज़ वेरी अमेजिंग फॉर द ड्राई स्किन एज वेल एज वेल अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ये बहुत ही अच्छा प्राइमर ऑयल है इसके जैसा एक स्टेक वर्की का भी आता है नेक्स्ट मैंने मास्क का इल्यूमिनेटिंग uh, प्राइमर लगाया हुआ है फॉर द इल्यूमिनेटिंग ग्लो मतलब मुझे बहुत पसंद है और वैलेंटाइन है तो ग्लो तो होना ही चाहिए नेक्स्ट मैंने लॉरियाल uh, का ये uh, शिमरी वाला फाउंडेशन लगाया है जो कि यू नो हाइड्रेटिंग है और बहुत अच्छा ग्लो देता है तो हमें बहुत ढेर सारा वारंटाइन पे ग्लो चाहिए ताकि हमारी स्किन बहुत अच्छी लगे हाइड्रेटेड लगे प्लमपी लगे एवरीथिंग तो यहाँ पर मैंने नेक वैक सब्जी का लगा लिया और डबल करने के लिए मैंने उसको अपने प्यूम प्यूम प्लूम प्लूम जो भी है उस ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड किया है दो बार लगाया ठीक है दो कोट नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगाया क्योंकि मुझे बहुत हाई कवरेज कंसीलर चाहिए था क्योंकि इस फाउंडेशन का जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा लो है ठीक है लो टू मीडियम में आप बोल सकते हो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जैसे इसको ब्लेंड कर लूँगी अपने उसी ब्लेंडर की हेल्प से और इस ब्लेंडर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट अंदर जाता है या फिर कह लो नहीं जाता है यहाँ पर मैंने रिकोट का लिप एंड चिक टेंट लगा रही हूँ और शेड आई आई डेंट रिम्बर मुझे याद नहीं है प्लीज़ और मैं देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसके बाद मैंने मार्स का ये ट्रांसलूसन पाउडर लगाया है ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ट्रांसलूसन पाउडर है वाइट कलर का है और बहुत ही अच्छा एकदम फिल्टर वाला आपको लुक देता है इसको लगाने के बाद मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है इसको अच्छे से हम रिमूव कर लेंगे एक, एक मिनट के बाद यहाँ पर मैंने शुगर का पैलेट लिया हुआ है फेस पैलेट है उसमें मैं कॉन्ट्रोल करूँगी हाईलाइट करूंगी ब्लश करूंगी सारा कुछ कर लूँगी और जब तक मैं कर रही हूँ तो सब्सक्राइब कर दो और हाँ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके और हाँ कॉमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है और यहाँ पर मैंने ब्लश भी लगा लिया ब्लश के बाद मैंने यहाँ पर हाईलाइटर लगा लिया बहुत ही लिटिल अमाउंट में बट अच्छा सा ग्लो लाने के लिए आप भी ऐसे लगा सकते हो और हाँ मैं डे के हिसाब से कर रही हूँ अगर आप नाइट के हिसाब से करो तो हाईलाइटर वगैरह बढ़ा सकते हो ठीक है तो सिंपल बहुत सोबर सा लुक रखने का मैंने पूरा ट्राई किया है ताकि हर एक लड़की कर सके उसके बाद मैंने मे ब्लिन की यहाँ पर एक आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ ये ग्रे शेड में ली है उसके बाद इसको सेट कर लेंगे आ, ये मस्कारे से मस्कारा नहीं है एक्चुअली वो ब्राउ मस्कारा था उसके बाद मैंने एक आई शेडो पैरट लिया है डार्क आई शेडो ब्लेंड किया इसके बाद लाइट आई ब्लेंड किया उसके बाद एक गोल्डन शेड लगा लिया दैट इज़ ए डर मतलब देख सकते हो ये बहुत ही ईजी सिंपल सा है इस लुक को आप इस टाइप के ड्यूल आई शेडो से भी ले सकते हो मैट और शिमरी दोनों होते हैं इसमें ये लुक क्रिएट कर सकते हो ब्लैक कलर का मैंने काजल लिया हुआ है नहीं सॉरी ब्लैक नहीं है ये रेड कलर का काजल है लिप लाइनर है उसको मैंने लगाया है उसके बाद मैंने टॉप अप कर दिया रेड आई के साथ और ये एक शिमर मैंने देखा मतलब ग्लिटर तो ये येलो कलर में था बट ये क्रोम क्रोम टाइप में था हल्का सा मतलब ये मल्टी कलर जो है आ, रिफ्लेक्ट मार रहा था तो मैंने लगा लिया उसके बाद मैंने ये मेब्लिन का कुलसल मस्कारा लिया हुआ है और उमयौरी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसका सिर्फ़ एक कोट लगाया है और आप देख सकते हो दोनों में मतलब फिर मैंने फॉल्स ना हटा दी चल लिपस्टिक में आप रेड रख सकते हो न्यूड रख सकते हो मुझे तो भैया न्यूट बहुत आ, मतलब मन था लगाने का तो मैंने क्या किया मैंने एक ब्राउन कलर का आ, लिप लाइनर लगाया उसके बाद मैंने ये मेब्न का जो है लिप सेंसेशनल लगाया है मेड इजी इसमें मेरा शेड नंबर है इलेवन और ये बहुत ही अमेजिंग शेड है इसको मैंने आउटर आउटर लिप्स में लगाया हुआ है इस तरीके से और आप भी लगा सकते हो मैंने ये बेस्ट बेब कल करके एक कलर था ज़ीरो सिक्स मैंने वो लगा लिया है बीच बीच में और पूरे लिप्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और यहाँ पर मैंने उसी ब्लेंडर की हेल्प से अपना फेस स्प्रे लगा लिया है फिक्सर दैट इज़ एट ये हो गया मेरा फिनिश्ड लुक आपको कैसा लगा कॉमेंट करो और ये रेड कलर के टॉप के साथ मैंने इसको वेयर किया हुआ है ताकि फुल वैलेंटाइन का फील आए आपको कैसा लगा छोटे छोटे ईयर और यहाँ पर मैंने एक ब्रेसलेट पहन लिया है बहुत ही मिनिमल लुक रखा है आप बताना कैसा लगा डू लेट मी मैंने कॉमेंट सेक्शन और हाँ पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज मुझे बहुत जरूरत है सब्सक्राइबर्स की प्यार लुटा दो यार एक बार सबको देते हो मुझे भी दे दो थोड़ा सा ठीक है और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ठीक है व्यू प्रोडक्ट में प्रोडक्ट देख सकते हो बाय